तो टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले इनिंग में बनाए हैं 192 रन। 193 का लक्ष्य यहां पर दिया गया है वेस्टइंडीज को ये सेमीफाइनल जीतने के लिए। और एक बार फिर से मैच के हीरो साबित हुए हैं विराट कोहली, जिन्होंने नाबाद 89 रनों की पारी खेली है सिर्फ और सिर्फ 63 गेंदों में। उसके बाद रहाणे ने 40 रन बनाए। और रोहित शर्मा की बात की जाए जो कि लोकल बॉय मुंबई के बॉय हैं, उन्होंने 31 गेंदों में 43 रन की शानदार पारी खेली जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। और एक्सपेक्ट भी रोहित शर्मा से यही किया जा रहा था कि अपने होम ग्राउंड में वो जबरदस्त आतिशी बल्लेबाजी करें। अजिंक्य रहाणे की बात की जाए तो उन्होंने 35 गेंदों में 40 रन की पारी खेली जिसमें 3 चौके शामिल रहे। तो सलामी बल्लेबाजों ने काफी अच्छी नींव रखी टीम इंडिया की इस इनिंग्स में। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे की तरफ से। फिर इनके आउट होने के बाद जब आए प्लेयर ऑफ द सीजन विराट कोहली, तो देखिए उनके जो स्कोर कार्ड है वो कितना शानदार नजर आ रहा है। 47 गेंदों में 89 रन जिसमें 11 चौके और 1 छक्का उन्होंने जड़ा। और धोनी भी उनके साथ लगातार जमे हुए थे, 24 गेंदों में 15 रन जिसमें उन्होंने 1 चौका भी चढ़ा। पल्लवी न्यूज रूम से मेरे सहयोगी जुड़ी हुई है। पल्लवी, जैसी उम्मीद की जा रही थी विराट कोहली से, वैसा प्रदर्शन उन्होंने एक बार फिर से किया। एक बार फिर से साबित कर दिया कि जब जरूरत आती है तो कोहली ही कोहली। जी बिल्कुल, कोहली जो है वो हर बार काम आ रहे हैं, हर मैच में काम आ रहे हैं। विराट के नाम का शायद इस वक्त जो मतलब बन चुका है वो विक्ट्री बन चुका है टीम इंडिया के लिए। यहाँ पर विराट कोहली जो है उनसे जैसा बिल्कुल प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। भारतीय टीम को जिस वक्त जरूरत थी विराट कोहली ने एक अच्छा प्रदर्शन किया। और यहाँ पर खासतौर पर एक और तारीफ करनी होगी कप्तान धोनी की। जब जब विराट कोहली एक छोर पर रहते हैं तो बिल्कुल धोनी को पता है कि उनके साथ की जरूरत उन्हें पड़ती है, क्योंकि एक ऐसा बल्लेबाज दूसरे छोर पर चाहिए जो उनका पूरा साथ निभा सके। ऐसे में कप्तान धोनी जो है उनका अच्छा साथ निभाते हैं। और आज सबसे जो अच्छी बात रही भारतीय टीम के लिए वो ये रही कि भारतीय टीम की जो सलामी जोड़ी है, ओपनिंग जोड़ी है, वो अपने रंग में नजर आई है। जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, रोहित शर्मा ने अच्छा परफॉर्म किया, उसके साथ रहाणे भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए। दोनों ने अपने अपने छोर पर जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी की। तो यहाँ पर भारतीय टीम की जो एक परेशानी थी ओपनिंग जोड़ी को लेकर वो बिल्कुल आज सॉल्व होती हुई नजर आई है। और उम्मीद यही की जा रही है कि भारतीय टीम यहाँ से जीत हासिल करेगी। और जीतने के बाद जब कोलकाता के मैदान में उतरेगी इंग्लैंड के खिलाफ तो बिल्कुल भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ऐसा ही प्रदर्शन करेगी। विराट कोहली फिर से एक बार रंग में नजर आएंगे और टीम इंडिया कप पर कब्जा जमा लेगी। पल्लवी, ये मैच सिर्फ इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज का नहीं है बल्कि विराट कोहली वर्सेस क्रिस गेल का भी है। और जैसा कि हम इसे पहले बुलेटिन में भी जिक्र कर रहे थे कि मैदान के बाहर तो ये काफी पक्के दोस्त है, लेकिन जब मैदान में आतिशबाजी की बारी आती है तो कोहली ने तो आतिशबाजी कर दी है, गेल क्या करेंगे? देखिए, क्रिस गेल से उम्मीद जो लगा रहे हैं वो सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स यही लगा रहे हैं कि एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे, वो यहाँ पर चौके छक्कों की बरसात करेंगे। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज जो है उन्हें किसी से कम समझना ठीक नहीं होगा। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने बिल्कुल उनके खिलाफ जो अपनी रणनीति पुख्ता कर ली होगी, कप्तान धोनी ने उनके अगेंस्ट एक अच्छा प्लान तैयार किया होगा। नजरें जो होंगी वो आर अश्विन पर रहेंगी काफी ज्यादा, क्योंकि उनको पता है कि इस तरह से इनका तोड़ हासिल करना है। और खासतौर पर बात यह है कि भारतीय गेंदबाज जो है वो क्रिस गेल को काफी हद तक खेल चुके हैं आईपीएल के गेम्स के दौरान। उन्हें पता है कि उनकी क्या कमजोरी है, कहाँ पे वार करना है, किस जो कौन सी गेंदे हैं वो इनकी कमजोर कड़ी है, तो बिल्कुल उसी कमजोरी पर जो है वो वार करने की तैयारी रहेगी। अनुराग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अनुराग, जैसा कहा जा रहा है कि ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि अब वेस्टइंडीज को बल्लेबाजी करनी है, क्रिस गेल को क्या मौका मिलेगा आतिशबाजी करने का जैसा कि विराट कोहली ने किया था, या फिर गेंदबाज जो खासतौर पर फिरकी गेंदबाज है उनको फायदा मिलेगा इस पर? जी बिल्कुल, जैसा कि आज के मैच में भी आपने देखा होगा कि जो शुरुआती ओवर्स में ही है सैमुअल से बॉलिंग कराई गई थी और रोहित शर्मा बीट होकर LBW हो गए थे, तो जो सेकंड इनिंग में भी माना जा रहा है कि ड्यू फैक्टर वर्क करेगा और स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिलेगी। और बहुत से लोगों से भी हमने बात करी तो सबका यही कहना है कि गेल के लिए इतना इजी नहीं होगा सेकंड इनिंग में रन बनाना, क्योंकि स्पिनर्स को मदद मिलेगी। और लोगों से मैं बात करता हूं, आपको क्या लगता है गेल बरसात करेंगे मैच के अंदर चौके छक्कों की? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि अपने पास अश्विन जैसा एकदम स्पिनर, अच्छा स्पिनर है, और अश्विन को पता है कि गेल को कैसे आउट कर रहा। और अपने पास मेन अपना जो हीरा कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी, उसकी जो स्ट्रेटजी रहती है हर प्लेयर के खिलाफ, वो पहले से ही देख के एक स्ट्रेटजी बना के ही आते हैं। और मुझे लगता है पहली ओवर अश्विन से ही कराएंगे, और मुझे लगता है कि अश्विन के हाथ से ही मेरे गेल की विकेट जाने वाली है। जी, कि लोग
जो स्पिनर्स है उस पर दारमदार रहेगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि धोनी के पास पूरी स्ट्रेटजी तैयार होगी, कौन से प्लेयर के लिए कौन से बॉलर को उतारना। जहाँ तक धोनी जो शुरुआत है वो स्पिनर्स के साथ भी करा, स्पिनर अश्विन के साथ ही करा सकते हैं, और टारगेट यही होगा कि कैसे जल्दी से जल्दी क्रिस गेल का विकेट लिया जाए और उस विकेट के बाद जो पूरी वेस्ट इंडीज टीम है उस पर दबाव बना जाए, क्योंकि जो रन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। उनको 193 रन का जो स्कोर है वो चेज करना है, और एक दो शुरुआती विकेट चले जाते हैं अगर भारत कामयाब हो जाता है शुरुआती तीन विकेट या चार विकेट लेने में पहले 10 ओवर में, तो वेस्ट इंडीज़ के ऊपर जो दबाव है वो बनता जाएगा और धीरे धीरे जो मैच है वो भारत की पकड़ में आ जाएगा और भारत आसानी से मैच पहले 5 ओवर बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है और कितने कॉन्फिडेंट है लोग। जिस तरह से पहली इनिंग में बैटिंग हुई है, सारे प्लेयर्स ने शानदार परफॉर्मेंस दिया है, तो एक तरह का जोश भर दिया है फैंस के अंदर मैच को लेकर, और अब जो फैंस का उत्साह है, जो कॉन्फिडेंस है वो लेकर जोश, उत्साह, कॉन्फिडेंस है। और एक और बात बताएं, विराट कोहली तो नंबर वन बैट्समैन है ही T20 में, लेकिन क्रिस गेल के पास भी यहां पर बहाना है इस मैच में बहुत अच्छा करने का, क्योंकि वो सिर्फ 2 छक्के अगर मारे तो 100 छक्के T20 में बनाने का वो रिकॉर्ड बना लेंगे। ही विल बी द फर्स्ट एवर प्लेयर टू डू दैट।